हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोती वर्क राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीकॉक का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सब देख सकते हो, आपको तो पता है कि मैं आपके साथ शेयर करी थी वॉल हैंगर, बट आपको अच्छी तरह ये भी पता है कि ये जो हमारा पीकॉक है ये आधा अधूरा बच गया है। जैसे कि इसमें थोड़ा सा और बाकी है, ये पूरी तरह से कम्प्लीट मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी इसकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे फ़िलहाल पहले कंप्लीट किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल की वीडियो में आपको मिलेगा बेल हैंगर का वीडियो। ठीक है, तो चलिए इसे जो आधा अधूरा है उसे फटाफट बनाते हैं, और थोड़ा बहुत अगर बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में पूरा इसे बता सकूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो पीकॉक है वो पूरी तरीके से बन चुका है, बट हमें इसे ज्वाइंट करना है, वो भी मैंने एक तरफ से ज्वाइंट खुद ही कर लिया है और एक तरफ से हमें ज्वाइंट करना है। एक्चुअली मैं मेहंदी लगा रही थी पर वीडियो बनाना था इसलिए नहीं लगा पाई, बाद में लगा लूँगी। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तरफ से हमारे ये ज्वाइंट हो चुका है, बट इधर से ज्वाइंट हमें करना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ज्वाइंट करके पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने पिछली वीडियो की, आप देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, उसी तरीके से मैंने ये जो हमारा पार्ट है इसे यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन करना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, और सेम ठीक उसी तरीके से हमें इसे पूरी तरीके से ज्वाइन करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो उतार चढ़ाव है ये कैसे हुआ, इसमें कोई अलग कुछ नहीं करना है हमको। आप सेम जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें दो तरीके से ज्वाइन करना होता है, और आप ज्वाइन करते जाइएगा आपका जो सेप है खुद ब खुद बनते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। सेम जिस तरीके से आपको ज्वाइन करना है आप उस तरीके से इसे सीधे ज्वाइन करते जाइए, ये जो उतार चढ़ाव है ये हो जाएंगे खुद ब खुद। और यहाँ पे लास्ट में हमें सेम उसी तरीके से ज्वाइन करना है, बट मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसे भी ज्वाइन करने के लिए मैं कुछ खास नहीं करना, बट मैंने सोचा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, सेम जैसा कि हमने आगे ऐड किया है वैसे ही हमें धागे को इसमें भी ऐड करना है। जैसे कि मैं एक मोती ले रही हूँ और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से ये ऐड हो गया, और फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, ये किनारे पे है जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें अलग से कुछ आपको नया नहीं करना है, बट आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर कर लूँ, आपको वीडियो में बता दूँ। कुछ नहीं करना है हमें, सेम उसी तरीके से मैं फिर से एक एक मोती लेकर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, और ये जो सामने वाली मोती है जैसे कि मैंने आपको कहा हमारा धागा जहाँ सीधे आए हम उसके अंदर इसे ऐड कर देंगे, और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये हो गया, अब नेक्स्ट हम अगली मोती पे जाएंगे, बट जैसे कि मैंने आपको ये भी कहा है कि जिस मोती को हम ऐड करेंगे उस मोती के अंदर से धागे को घुमा लाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मोती में ऐड करेंगे। ये मैंने घुमा लिया और मैं अब इस मोती में ऐड कर रही हूँ, इसके सामने जो ये मोती है इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ऐड करने के बाद भी सेम हमें यहाँ भी वैसे ही करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसमें ऐड किया मैंने, सेम इसी तरीके से हमें इसे यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने सेम उसी तरीके से इसे अच्छे से ऐड कर लिया है। ठीक है, ज्वाइन कर लिया है, बट आप ये मत भूलिएगा इसे ज्वाइन करते समय कि हमें इसके अंदर प्लास्टिक ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड करके रखी है, बट मैं अभी और भी इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करते मतलब जैसे यहाँ तक ज्वाइन किए उसके बाद भी प्लास्टिक ऐड कीजिएगा, फिर थोड़ा ज्वाइन करने के बाद फिर थोड़ा ऐड कीजिएगा, फिर यहाँ तक ज्वाइन कीजिएगा तो फिर ऐड कीजिएगा, और इस तरीके से ही इसे ऐड कीजिएगा पूरा। तो मैंने पहले इसमें ऐड किया हुआ था और मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इसमें प्लास्टिक ऐड कीजिए उसके बाद ही इसे ज्वाइन कीजिएगा। और अभी मैं फिर से इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने ली प्लास्टिक और मैं इसके अंदर
ऐड करेंगे। आई होप आप खुद दिख रहा हो, आप देख सकते हो हमारी प्लास्टिक जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो चलिए पहले हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जॉइंट करना सीखेंगे कि हमें किस तरीके से जॉइंट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर प्लास्टिक पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें ऐड कर लिया है, और अभी यहाँ पे हमें ऐड करना है, बट पहले हम थोड़ा सा इसे जॉइंट कर ले उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था मैंने कि इसे भी ऐड करने का तरीका जो हमारा है सेम वही है, बस इसे हमें इसी तरीके से जॉइन करना है, इस तरीके से ही जैसा कि आप देख रहे हैं। बट आपको कलर का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो हमारा ग्रीन लाइन है मोती का, वहाँ पे हम इस धागे को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं इसमें ले रही हूँ ग्रीन कलर की मोती। तो मैं ले रही हूँ एक ग्रीन कलर की मोती, और सेम इसी तरीके से हम धागे को करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तरीका सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं मैंने किए इसमें। और ये आप देखिएगा कि ये जो हमारा मोती है वो ऐड हो चुका है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और फिर इस मोती के अंदर जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि मोती ऐड करने के बाद फिर से हम उस मोती में ऐड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मोती में हम आएंगे। तो मैं यहाँ आ रही हूँ अभी जो हमने मोती ऐड किया उसके अंदर, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर आऊँगी। तरीका सेम वही है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। और यहाँ पर हमारा ब्लू मोती है, तो मैं ब्लू मोती ही ऐड करूँगी। ये मैंने ब्लू मोती ली एक, और इसके अंदर फिर ये जो ग्रीन वाली मोती है इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अब देखेंगे कि जो हमारा ब्लू कलर का मोती है वो इस तरीके से ऐड हो गया, और फिर इसके अंदर आएंगे। और यहाँ फिर से वही तरीका, और फिर इसके अंदर अब यहाँ देखेंगे कि ये तो हमारी ब्लू मोती की लाइन है, तो इसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही है। तो मैंने ऊपर तो ब्लू ही ऐड किया था, पर मैं यहाँ पे आपको रेड ऐड करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने ली है रेड कलर की मोती, और मैं इसके अंदर आई होप कि आपको दिख रहा हो, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप देखोगे ऐड हो गया, और फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर और जैसे कि मैंने आपको कहा ग्रीन के सामने ग्रीन मैंने ऐड किया था, तो यहाँ पे येलो है, तो मैं यहाँ पे येलो ऐड करूँगी। ये ले रही हूँ मैं एक येलो कलर की मोती, और मैं इसे भी सेम उसी तरीके से इसके अंदर ऐड करूँगी। ये ऐड हो गया, और फिर इसमें और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ जिस मोती में हमने ऐड किया है उसके अंदर ऐड करेंगे धागे को, और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब फिर से ये ब्लू वाली लाइन आ गई। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया सेम हमें वैसे ही करना है, और इसी तरीके से हमें इस पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट जॉइंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ी बहुत ऐड है और हमें थोड़ी बहुत ऐड करनी है, तो इसे जॉइंट भी कीजिएगा, जॉइंट करने से पहले प्लास्टिक ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए इसे हम पूरा जॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसे भी ऐड कर लिया है, और इसके अंदर मैंने जितना हो सके उतना प्लास्टिक ऐड कर दिया है।
ठीक है, ये प्लास्टिक से ही पूरा बन के तैयार हो चुका है। और अब तो अब हम इसके नीचे का ये जो हिस्सा है इसे जॉइंट इस तरीके से कर देंगे। और इसका डिज़ाइन आप इस में देख सकते हो, इस तरीके से हमें नीचे में इसका जॉइंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं आपको जॉइंट करना बताऊं। तो फर्स्ट टाइम में तो हम यहाँ पे रेड मोती सिर्फ एक ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लू मोती ऐड किया हुआ है किनारे पे। अब नीचे हमें ऐड करना है, तो नीचे की तरफ मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे एक रेड मोती ऐड कर रही हूँ। बट ये जो मोती ऐड मैं कर रही हूँ ये पूरा घर नहीं बन पाएगा फूलों का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ब्लू कलर की मोती ऐड कर दी है। तो इसे हम यूं ही छोड़ के आगे की तरफ आएंगे। और आगे की तरफ आने के बाद अब हम लेंगे रेड कलर की मोती। तो अब मैं ले रही हूँ रेड कलर की मोती और अब मैं इस ब्लू वाले में ऐड करूँगी ये जो सामने मोती है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये जो रेड कलर की मोती है इस तरीके से हो जाएगी और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर ये जो सामने वाली मोती है ब्लू वाली इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर जो अभी हमने रेड कलर की मोती ऐड की उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर ये रेड कलर वाली मोती में ऐड करेंगे। और फिर मैं यहाँ पे एक रेड कलर की मोती लेकर इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी। ये हो गया। तो आप देखेंगे कि जो फ्लावर है चार मोतियों का ये अब बनता जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से अब हमें करते हुए जाना है और हमें सिर्फ रेड कलर की मोती से इसे ज्वाइंट कर देना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ भी मैं रेड कलर की मोती लूँगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरीके से और फिर से वैसे ही करना है हमें। फिर से इसके अंदर फिर से रेड वाली मोती के अंदर और फिर से यहाँ भी मैं वैसे ही ऐड करूँगी। और इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक छोटा सा गांठ लगा के कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर इस तरीके से गांठ लगाने हम कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा पैरट झूमर का बॉडी है वो बनके तैयार हो चुका है। आप इसे देख सकते हो, इसके पैर बनाने हैं और इसका जो अगला पार्ट है वो है इसका जो स्टैंड है ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। इसमें थोड़ा सा आगे बनाना है और इसका पैर हमें ज्वाइन करना है। दोस्तों इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों अभी नहीं बता सकती क्योंकि आपको पता ही होगा, आपको साउंड आ रही होगी, मेरे बगल में बहुत ज़्यादा ही कुछ शोर हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर सकती। जैसे कि आप इस पैरट को देख सकते हो, सॉरी पीकॉक को देख सकते हो, ऐसे हमें बनाना है। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।